बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 उसमें एक टॉपिक है मास मास रिलेशनशिप, ये समझाएंगे। इससे पहले एक और लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था जिसमें आप लोगों को मास मास रिलेशनशिप बताया था। अब इस लेक्चर में भी मास मास रिलेशनशिप ही बताना है, लेकिन इसको एक और एंगल से समझाना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर आ जाएं, पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम है, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कितने ग्राम, 200 ग्राम। जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम बनेगा, ठीक है, ये वही क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ, तवज्जो से समझिएगा। देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो भी आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अगर ये 100 ग्राम, इसका मोलर मास 100 ग्राम है, तो यहाँ मोलर मास 56 ग्राम है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, 56 ग्राम बनता है, ठीक है जी। फिर 1 ग्राम से कितना बनेगा, 56 डिवाइडेड बाय 100। फिर 200 ग्राम से कितना बनेगा, 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 200, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 112 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर मास किसका दिया हुआ है, रिएक्टेंट का, फाइंड किसका करना है, प्रोडक्ट का। लेकिन सवाल कभी यूं भी हो सकता है, सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि अगर ये यानी इसका मास दिया हुआ है और इसका फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि मास इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जरा देखें, यहाँ सवाल में देखें कि 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने चाय बनानी है, तो हम कहते हैं जी 2 कप चाय बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 2 कप दूध चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि 2 कप दूध से कितनी चाय बनेगी, 2 कप बनेगी, ये एक ही बात को दूसरे एंगल से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपको पहले रिएक्टेंट का मास दिया हुआ था, प्रोडक्ट का फाइंड करना था, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट का मास दिया कि इतना हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, इतना बनाने के लिए ये हमने बाजार से ख़रीद के लाना है, तो कितना ख़रीद के लाएंगे, कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आएंगे बाज़ार से कि हमें ये इतना मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम आगाज़ कैसे करेंगे, तरीक़ाकार वही है कि पहले आप इसके मोलर मास कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर तरीक़ाकार उससे थोड़ा डिफरेंट है, ज़रा समझिएगा। अब हमेशा पहले उसको लिखते हैं जो कि आपको क्या है, गिवन है। इस वाले केस में गिवन ये था, अननोन ये था, इस वाले केस में गिवन ये है और अननोन ये है, तो गिवन पहले आएगा, हाँ ठीक है। अब इसको समझिएगा कि अगर यानी कि 56 ग्राम टू प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना रिक्वायर्ड होता है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। फिर 1 ग्राम के लिए 100 डिवाइडेड बाई 56 और 112 ग्राम इसको प्रिपेयर करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिवाइड कर दें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये इसको वेरीफाई कर दिया, यानी कि 200 ग्राम से कितना बनता है, 112 ग्राम, और 112 ग्राम बनाने के लिए कितना ये रिक्वायर्ड है, 200 ग्राम, ठीक है, उससे वेरीफाई भी हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको मास प्रोडक्ट का दिया हो, रिएक्टेंट का फाइंड करना हो, तो ये तरीक़ाकार है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, बात याद रखनी है कि जो गिवन है उसका मास पहले आता है और जो फाइंड करना होता है उसका मास बाद में आता है, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपके जहन में रहेगा तो फिर गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप ये वर्डिंग भूल जाते हैं कि ये वर्डिंग क्या है, किस तरह लिखेंगे, तो इसका एक अल्टरनेट तरीका बता देता हूँ कि आप सिंपली यहाँ लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 56 ग्राम क्या लिख दें, ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और इज इक्वल टू लिख दें 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर 1 से कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है, और फिर इसी तरह से
112 से कितना होगा। अगर आप ये वर्डिंग आपको याद नहीं तो इसका शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बढ़ जाते हैं आगे और एक सवाल है उसको समझते हैं। इस सवाल को आपने समझना है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, कोई नई बात इसमें नहीं है। आपको ये बात बता चुके हैं, वही बात अब आपने यहाँ समझनी है, तवज्जो से समझिएगा। सवाल यह है कि आपको कहा गया है इस सवाल के अंदर कि हम 142 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सोडियम क्लोराइड कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि 142 ग्राम हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लोरीन गैस बनाना चाह रहे हैं, तो कितने ग्राम रिक्वायर्ड है। राइट, तो पहला काम क्या करेंगे, मास, मोलर मास। यहाँ पर डबल इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाए, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 117, ये 71 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये बात बताई है कि जो गिवन है वो पहले और अननोन बाद में, ये पॉइंट याद रखना है। फिर वही बात आ गई कि टू प्रोड्यूस 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड है, ये 117। फिर 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा NaCl, फिर 142 ग्राम के लिए कितना NaCl रिक्वायर्ड होगा, तो ये आ जाएगा 234 ग्राम ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, तवज्जो से अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात सिर्फ ये ज़रूर याद रखनी है कि हमेशा जो गिवन होता है वो पहले लिखा जाता है और अननोन बाद में। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, एडिशनल बात बता दूँ कि कभी ऐसा भी होता है इन्हीं सवालों के अंदर उसने मास दिया हुआ है, इसका मास की बजाय वो कह रहे हैं इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने फार्मूला यूनिट बनेंगे, ये बताएं। तो कोई बात नहीं, आप मास मास इसका मास कैलकुलेट कर दें, जब मास आ जाएगा तो कोई भी कंपाउंड का अगर मास पता हो तो उस मास की हेल्प से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास है, क्या फार्मूला, ग्राम मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लें तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये आता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। और इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर है मास वॉल्यूम उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।